हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.1, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास फोर गिवन मेजरमेंट होने चाहिए, चाहे वो वन साइड फोर एंगल हो, वन साइड थ्री एंगल हो, या फिर थ्री साइड टू डायगनल हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम आपके पास फोर मेजरमेंट होने चाहिए। जैसे ट्राइंगल में हमें थ्री चाहिए होते हैं, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फोर मेजरमेंट होने चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले आप जो भी गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबी इक्वल टू 4.5, जो भी आपके पास मेजरमेंट गिवन है उसका रफ स्केच बनाएंगे। ठीक है, रफ स्केच बनाने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हम करते हैं एबी इक्वल टू 4, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसे मैंने ये यहां लिया ए बी सी डी। ये ध्यान रखिए, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। नाउ मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, देन बी सी 5.5 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 6 सेंटीमीटर। ए सी डायगनल गिवन है, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब आप रफ स्केच बना लेंगे उसके बाद आपको फेयर बनाना है। यहां से इसका फायदा क्या है कि वैसे आपको क्या कैसे पता चलेगा कि क्या फॉर्म करना है, क्या आपको बेस लेना है और कैसे आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले आपके पास ये रफ स्केच होना जरूरी है। रफ स्केच बनाने के बाद आप इसमें देखिए कि क्या आप बेस लेंगे, क्या आप साइड्स लेंगे। अब इसमें देखिए, अगर आप एसी को बेस लेते हैं, बच्चे सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल जब भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो पहले एक ट्रायंगल फॉर्म होगी या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो भी हो पहले वो फॉर्म होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं होता। सो इसके लिए देखिए, आपके पास टू ट्रायंगल आ गई, वन टू, तो बेस आप इसमें क्या लेंगे, ए सी। ए सी को बेस लीजिए, आर्क लगाइए, एक ट्रायंगल फॉर्म करिए, उसके बाद इनको ज्वाइन कर देंगे हम। देखिए कैसे करेंगे हम। सो फर्स्ट वी विल टेक 7 सेंटीमीटर ए सी, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहां पे आप नोट करते चलिए इसके साथ साथ मेजरमेंट, दिस इज ए एंड दिस वन इज सी एंड द गिवन लाइन सेगमेंट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ वी विल मार्क एन आर्क ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर देखिए ऐसे लीजिए आप, कई कई बच्चे मैंने देखे कि हाथ में पकड़ के पेंसिल को या कंपास को फिर ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उससे इजीली नहीं हो पाता और करेक्ट मेजरमेंट भी नहीं होता। 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है आपको, देन 4 सेंटीमीटर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करते टाइम ध्यान रखिए ये जो सेंटर पॉइंट है यहां पे आपकी पेंसिल रहेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये ज्वाइन किया, देन एसी से ज्वाइन करेंगे, एसी ज्वाइन करेंगे हम, एंड दिस पॉइंट इज डी,
and we will write measurement. This is 4 cm and this one is 6 cm. Now, जो lower ये वाला triangle है, ये वाला लेंगे हम 4.5 cm and 5.5 cm. 4.5 from A. ये भी ध्यान रखिए कहां से आपको आर्क लगानी है. 4.5 and 5.5. अब इसको ज्वाइन करिए. आप लोग पेन से नहीं करेंगे बेटा, पेन से कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं. मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे. या अब देखिए ये ज्वाइन गलत हो गया मेरे से, ऐसे मत करिएगा. आपको ये यहां से ज्वाइन करना है. क्योंकि अगर मैं नोटबुक को टर्न करूंगी तो फिर आपको दिखाई उल्टा देगा, इसलिए मैंने टर्न नहीं की ये नोटबुक. बी, ये पॉइंट बी है. दिस वन इज 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर. आपको मेजरमेंट जरूर लिखना है इसका. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने आप से नोट कर सकते हैं. स्टार्टिंग में आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे, मेक अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. फ्रॉम दिस रफ स्केच वी कैन ऑब्जर्व देर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी. ए बी सी फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए डी सी. अगर आपने नीचे वाली ए बी सी की है तो आप उसको लिखिए. ए डी सी ट्राइंगल इज ड्रोन. AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इसमें ये नोट करेंगे. देन वी विल मार्क अ पॉइंट B दैट इज 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A एंड 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम C. देन वी विल जॉइन AB टू BC. सो वी विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल जेयूएमपी. फर्स्ट वी विल मेक अ रफ स्केच. जेयूएमपी. नाउ मेजरमेंट ऑफ जेयू 3.5 सेंटीमीटर, एमपी 5 सेंटीमीटर, पीयू डायगोनल दिस इज 6.5 सेंटीमीटर, देन यू एम 4 सेंटीमीटर, पी जे 4.5 सेंटीमीटर. नाउ वी विल ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल. अब देखिए इसमें भी बेस आप क्या लेंगे, पी यू बेस लेंगे. ओके, बेस पी यू लेके और फिर उसके बाद ड्रॉ करिए. इजीली ड्रॉ हो जाएगा ये. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट डायगोनल था, इसमें डिफरेंट है. फर्स्ट वी विल टेक पी यू इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. देन वी विल मार्क एन आर्क फ्रॉम पी दैट इज 5 सेंटीमीटर. फाइव सेंटीमीटर आर्क आपको मार्क करनी है. देन फ्रॉम यू 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर ये मार्क की. देन वी विल ज्वाइन, दिस पॉइंट इज एम, सो वी विल ज्वाइन एम टू यू एंड एम टू P. After that, now we will mark an arc 4.5 centimeter then 3.5 centimeter from U.
Now we will join and this point is J. This is quadrilateral JUMP. इसमें मेजरमेंट हमने नहीं लिखा. JU this is 3.5 सेंटीमीटर. इसको साथ साथ लिखते चलिए. PJ 4.5 सेंटीमीटर. ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप से नोट करेंगे. अगर कोई दूसरे तरीके से करना चाहता है तो उसको भी कर सकता है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसके लिए. जैसे मान लो कोई कहता है कि नहीं हम तो जे यू लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो उससे भी आप कर सकते हैं. मान लो 3.5 सेंटीमीटर लिया किसी ने जे यू, 3.5 सेंटीमीटर देन आपको लेनी है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर देन 6.5 सेंटीमीटर ये यहां पे ज्वाइन होगी. अब इसको ज्वाइन करिए. लेकिन ये सब में नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, हर किसी में नहीं होगा. अब ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर. अब यहां से आपको आर्क लगाने, दिस पॉइंट इज पी, पी टू एम 5 सेंटीमीटर. अब इसमें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी होगी कि अगर आप ये 5 सेंटीमीटर यहां पे इधर ड्रॉ करेंगे, यहां पे अगर आपने ये आर्क इधर ड्रॉ की, तो आप सोचिए कि 4 सेंटीमीटर की आर्क वो तो आपको यू से लगानी है, तो वो क्या इधर कट कर पाएगी, उसको इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी. तो आपको ये थोड़ा सा इधर की साइड लेना होगा ताकि 4 सेंटीमीटर इसको इंटरसेक्ट कर सके. नाउ वी विल टेक 4 सेंटीमीटर एंड मार्क एन आर्क फ्रॉम यू. ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रही थी मैं. अगर आपने ये इधर की साइड लगाई होती तो 4 सेंटीमीटर बताइए कहां जाती फिर. सो ये इसको ज्वाइन करिए. अब दिस पॉइंट इज एम. This is quadrilateral JUMP. Now third question, parallelogram mode. इसमें देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास. पहले रफ स्केच बनाना है. अब ये मैं सोचिएगा कि इसमें तो parallelogram बनाया आपने, रेक्टेंगल बना दिया. रफ है ये, आप कुछ भी बना सकते हैं. ओके, एम ओ आर ई, वेयर ई ओ इक्वल टू 7 पॉइंट, सॉरी ये वाली नहीं है, सॉरी ये है ई ओ, सॉरी 7.5 सेंटीमीटर, और आर ई इसमें है 4.5 सेंटीमीटर, एंड ओ आर, ओ आर दिस इज 6 सेंटीमीटर. अब देखिए प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए. प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर. आर ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो एम ई विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करिए. EO इक्वल टू
7.5 सेंटीमीटर। आप कोशिश करिए कि इसी साइड से डायगोनल साइड से बनाइए, ठीक है, क्योंकि उससे इजीली बन जाएंगे। सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड पॉइंट्स आर ई एंड ओ। नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई। 4.5 अब ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो इसको थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा कि आर्क किधर की साइड लगानी है। 6 सेंटीमीटर, 4.5 यहां पे, 6 ठीक करेगा कट यहां पे। 6 सेंटीमीटर। नाउ जॉइन दिस पॉइंट इज आर। आर को आपने जॉइन किया ओ से एंड ई से। नाउ 6 सेंटीमीटर ई एम। देन 4.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल जॉइन दिस पॉइंट इज एम। देन वी विल जॉइन M टू O। ये जरूर ध्यान रखिए, एक बार ऐसे इसको करके देखिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। दिस इज पैरेललोग्राम मोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बस BEST। रोम्बस आपको फॉर्म करना है। BE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BEST वेयर BE इज 4.5 सेंटीमीटर, ET दिस वन दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये आपको प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो उसके बाद आप इजीली कर पाओगे। देन 4.5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स विल बी ऑफ इक्वल मेजरमेंट। नाउ वी विल ड्रॉ टेकिंग ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेस लेंगे 6 सेंटीमीटर, टी ई 6 सेंटीमीटर। देन वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक फायदा ये कि आपको बार बार मेजर नहीं करना पड़ेगा, 4.5 सेंटीमीटर एक से ही आर्क आपको लगानी है, क्योंकि सारे 4.5 सेंटीमीटर है ना ये, इसलिए ये आर्क लगाने के बाद इनको ज्वाइन करिए। दिस पॉइंट इज एस and this is B, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।